अपमान एक किया जाता है। इस कार्यक्रम के सामने बैठी हमारी माताएं बहने जमन पढ़ाई जो पाठ्यक्रम जो किताब कॉन्वेंट स्कूल में बा वह किताब वह पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। बोला लड़ाई की पे बना थी दूसर काम का हुई दूसर काम कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में बिना पैसा में स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए अखिलेश जी को सीएम बनाने के लिए घूम रहा हूं। ठीक रही थी ना ठीक रही जितना मैं चाहता कि एक समान और फ्री शिक्षा लागू हो जाए प्रदेश में हाथ उठावा दे चाहता एक बात जे माँ बाप तैयार है तैयार है सारी व्यवस्था फ्री में दूंगा भाई। माननीय राम सागर बिंद जी की पार्टी भारत माता पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा से समाजवादी पार्टी के गठबंधन और सब लोग अपना अलग अलग कार्यक्रम हर जिले में चल रहा है। उसी कड़ी में आज भारत माता पार्टी का कार्यक्रम जोगापुर वाराणसी सेवापुरी विधानसभा में आपके द्वारा आयोजित था उसमें हम लोग आमंत्रित सर बताए लाल टोपी पीली पगड़ी सर क्या गांव में क्या कमाल दिखाएगी। देखिए लाल और पीला देख करके दिल्ली और लखनऊ में लोग लाल पीला हो रहे हैं सर। लेकिन अभी जैसा कि दो दिन पहले भी मोदी जी ने कहा था यूपी प्लस योगी उपयोगी तो क्या आपको लगता है कि यूपी के लिए योगी उपयोगी है। देखिए व्यंग बोला है उन्होंने जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यंग बोला है जी। हम आपको सबूत दे रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में मोदी जी ने योगी जी को पैदल कर दिया आप ही लोगों ने टीवी पे देखा जी जी। जब पूरे प्रदेश में छीछा लेदर हुई योगी जी की और मोदी जी की तो मोदी जी दो दिन बाद अपने आईडी से फिर योगी जी के साथ कंधे पर हाथ रख के फोटो खिंचवाए ये साबित होता ना उन्होंने पैदल किया। दूसरा अभी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में पैसा लगा योगी जी का जन सूचना विभाग उत्तर प्रदेश मतलब योगी जी का योगी जी की फोटो गायब हो गई जी हो गई जी जी। मेरी बात अगर गलत मैं कहता हूँ तो एकदम सही। अभी लखनऊ में अमित शाह जी के विभाग का उद्घाटन था और 3 पेज का विज्ञापन छपा और जन सूचना विभाग उत्तर प्रदेश के सौजन्य से विज्ञापन था और योगी जी गायब। ठीक है और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी आए विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने अब उसमें योगी जी को नहाने नहीं दिए देखा कभी फोटो जी नहीं नहीं पूरे उद्घाटन में कहीं योगी जी को दिखा जी नहीं। हम योगी जी को कमरे में बंद कर दिया कि तुम दिखाई मत देना। अब वो कह रहे हैं कि यूपी प्लस योगी अनुपयोगी है जी जी। इसके राज्य में महंगाई चरम पे है इसके राज्य में ललका सांड किसानों को तंग किया है सड़क पर एक्सीडेंट हो रहे हैं 70% ट्रामा सेंटर में लोग जा रहे हैं ये 16 पेपर कराया उसके सारे पेपर लीक हो गए ये अपना लीकेज नहीं बंद कर सकता है ये अनुपयोगी है उत्तर प्रदेश के लिए इसकी विदाई करो ये मोदी जी कह रहे हैं। सर भागीदारी रैली में सर इसमें मोर्चा में किसके नेतृत्व में सर चुनाव लड़ा जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व सर बहुमत आगे सर मुख्यमंत्री कौन होगा सर। माननीय अखिलेश यादव जी डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।